एक न्यूज जिसने हर किसी को चौंका दिया है, एक न्यूज जिसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य जी की, जिन्हें लेकर ये रूमर्स आ रहे थे अभी तक कि वो बैंकरप्ट हो गई हैं। इसी को लेकर आज हम इनसे बात कर रहे हैं। जया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आधी नींद में हूँ। मैम, ये जो रूमर आ रहा है, ये महज रूमर है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है? व्हाट इज बैंकरप्सी? आपके हिसाब से बैंकरप्सी क्या है? लक्ष्मी तो आनी जानी है ना, आज आती है कल निकल जाती है, मेरे पास से भी निकल जाती है और जो कोई भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उनके पास से भी निकल जाती है। तो रही बात, और हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा उतार या चढ़ाव का वक्त आता है जब उसे उसके पास थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, तो उसको हम बैंकरप्सी बोलते हैं। जैसे आज गई है कल वैसे आ जाएगी, है कि नहीं? जो हमने कमाए थे, सेविंग्स किए थे, वो खर्च हो गए और आगे भी खर्च होने हैं। बिकॉज मेडिकल चीजें जो होती है वो इतनी सी हो के कब इतनी बड़ी बन जाए और उसको समेटना कितना मुश्किल हो जाता है, ये बहुत से लोग जिनके ऊपर ऐसी स्थितियां आई हैं वो जानते हैं, उस बात से सबका रखते हैं। तो मेरा एक तो सबसे हमेशा मैं सबसे कहती हूं कि प्लीज मेडिकली इंश्योर करवा लो अपने आप को, बिकॉज आज की तारीख में मेडिकल इज सच अ बिग थिंग। मतलब कुछ समझ नहीं आता है कहां क्या हो रहा है। एंड यस, ये जो मैं हंसती हूं ना, ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि मैं रोती नहीं हूं। मेरे सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, मैं उतना ही जोर से कमर कस के खड़ी हो जाऊंगी कि आ चल, आ तेरे को सॉल्व करूं। मैं रोती नहीं हूं, मुझसे रोया नहीं जाता, बिकॉज जिंदगी में इतना कुछ देखा है। और नहीं, रोना कमजोरी का मादा नहीं है, बट हम रोएंगे तो हमें, मतलब वो पीठ थपथपाने वाला कौन है? वी आर स्ट्रांग, वी आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रांग पीपल, स्ट्रांग वेमेन, वी हैव सीन अ लॉट इन द वर्ल्ड एंड वी हैव कम आउट द विनर। मैं भी इसमें से विनर होके ही निकलूंगी, जैसे कि और भी ऐसी स्थितियों से मैं निकली हूं जिनकी लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई है। तो रही बात काम मांगने की, एक जो चीज आई कि जया भट्टाचार्य इज बेगिंग फॉर वर्क। ए भाई, अरे अयो भाई, बेगिंग क्या होता है? हक से काम मांग रहे हैं, इतने सालों से अच्छे से काम करते आए हैं तभी तो टिके हैं, वरना कब का गायब हो गए होते। नहीं, जी 26वां साल चल रहा है हमारा इस साल। बुढ़ा गए हैं इस लाइन में। मैम, लेकिन ये क्या वजह होती है कि इतना साल आपने इंडस्ट्री को दिया, बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा पूरी जिंदगी जो है वो अपने काम में लगा देते हैं, इंडस्ट्री में लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि उन्हें लोन जैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। क्या वजह रहती है ये? सी, लोन इज नॉट अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। ऑलराइट, कि भाई सपोजिंग पूजा, तुम्हारे पास आज बैंक में तुम्हारा लिमिट ओवर हो गया है, तुम नहीं निकाल सकती, कल तुम पैसे निकाल सकती हो। ए भाई, दे रहा 500 रुपये, दे, दैट्स अ लोन, टुमारो यू विल गिव इट बैक। दैट्स नॉट दैट बिग अ डील। बट क्या है कि वो क्या होता है ना कि वेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज, ऐसे हो जाते हैं। और एट टाइम्स क्या होता है कि लाइक आई डिड नॉट वर्क फॉर 7 ईयर्स बिफोर डूइंग थपकी। एक्चुअली मतलब फुल फ्लैजेड मैंने थपकी किया था, उसके पहले महादेव में कुछ एपिसोड्स किए थे, महाराणा भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। एंड आई वॉज असिस्टिंग माई राखी ब्रदर इन प्रोडक्शन, और मैं बहुत खुश थी, इसलिए तो मैं, मुझे प्रोड्यूसर्स के प्रति ज्यादा सम्मान हो गया है कि बेचारे कितना मेहनत करते हैं फिर भी गालियां खाते हैं। एंड जो बाकी फैकल्टी के लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनके प्रति भी मेरा सम्मान और बढ़ गया, बिकॉज मैंने एक एक्टर के नजरिए से नहीं बल्कि एक आम आदमी के नजरिए से उनके साथ रह के, उनके साथ काम करके इन बातों को समझा है कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत कुछ देती है लेकिन फिर बहुत कुछ लेती भी है। ऑलराइट, वो जो बीच के वक्त आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं या आपको सूटेबल काम नहीं मिला होता है अकॉर्डिंग टू योर विशेस, तो वो एक वक्त आता है, तो उसके लिए हमें सेव करके रखने पड़ते हैं। लेकिन जब ऐसे सिचुएशंस इमरजेंसीज आते हैं तो लोचा हो जाता है, तो वो लोचा हो गया, ठीक है, नॉट अ बिग डील। बट देन यस,
दूरदर्शिता रखना चाहिए। आज के बच्चे अकलमंद हैं, आज के हम लोग जो हैं चीजें देख के संभल बूझ के चीजें करते हैं। आई हैव माई मेडिकल इंश्योरेंस, आई हैव माई लाइफ इंश्योरेंसेस, आई हैव मतलब डन दीज थिंग्स फॉर माई ओन बेनिफिट्स। लेकिन हमसे पहले के जो लोग रहे हैं उन लोगों ने इस तरह की चीजें नहीं सोची होगी कि वो वक्त कभी गुजर जाएगा। और वो फेम का वक्त कभी गुजर जाएगा। तो जितना हम धरा पे चलते हुए रहें, धरातल से जुड़े रहें, उड़े नहीं, उतना ही हम बेहतर रहेंगे, ये मेरा मानना है। मैम, जैसा कि यहाँ पर आपने कहा कि आप हमेशा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं, ये भी खबर है कि जिस तरह से आप जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं उस सिचुएशन में आपको आपके मुंह बोले भाई ने आपको काफी सपोर्ट किया है। इवन अगर हम रहने की बात करें तो करेंटली आप रह भी उन्हीं के पास रही हैं, अपने घर में नहीं रही हैं। तो क्या यही वजह है कि आप अपने घर में नहीं रह रही हैं, उनके पास रह रही हैं, या फिर क्या कुछ वजह है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे माता पिता जो हैं वो 1 महीने की छुट्टी मनाने के लिए लखनऊ और कैलकटा जाने वाले थे। बिकॉज माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट इस 88 की एज में बंदे को जाके दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं जिंदा हूँ। ओके, खैर, आई मीन आई फाइंड इट अ बिट नहीं अच्छा लगता। लेकिन हाँ, ये बात भी सत्य है कि लोगों के गुजर जाने के बाद भी लोगों ने उनके जिंदा होने के प्रमाण पत्र दिखा के गवर्नमेंट को लूटा है, इसलिए बेचारे बुढ़े बुढ़े लोगों को इस प्रकार के दौर से गुजरना पड़ता है। काश ऐसा लोगों ने नहीं किया होता चीट, तो मेरे पापा को भी इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती, जाके लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। हाँ, तो मैंने सोचा कि इस बीच मैं अपने घर का रेनोवेशन कर लूं। लेकिन क्या हुआ कि जाने के एक दिन पहले ही उनको दोनों को बुखार आ गया, तो यह जाना कैंसिल हो गया। इसलिए मैं, जो मैंने सब काम करने के लिए सब एडवांसेस दे रखे थे, वो लोग तो पहुंच गए, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ठीक है, काम शुरू करो। तो भाई जो है वो गए हुए थे शूट करने के लिए अपनी फिल्म, तो हम सारे के सारे यहाँ आ गए भाई के पास रहने के लिए, घर खाली था। तो अभी बस कल ही मैंने पापा को वापस भेजा है। जितना बेसिक काम हो सकता था जिसके बगैर हम वापस घर पे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, उतना ही मैंने करवाया। उसके बाद बोला अभी रहने दो, सुंदरता हम बाद में बढ़ाएंगे। अभी मेरे पास ना तो वक्त है ना हिम्मत है। एक्चुअली बहुत थकान हो गई है, आई एम टायर्ड टू द बोन बेसिकली, यू नो। जैसे कि आपने कहा अभी कि आप काम के लिए बात कर रही हैं लोगों से, तो यानी कि लोगों का जो इंतजार है वो भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा एक बार आपको फिर से टीवी पर देखने इंशाल्लाह का। तो इंशाल्लाह, किस तरह का किरदार आप करना चाह रही हैं, या किस मैं तरह का मम्मियों किरदार के आप? रोल्स करती हूँ बेटा। मैं मम्मियों की कैटेगरी में हूँ। यस, अच्छी एक्टर तो हुई, इस बात में कोई शक नहीं है। ये मैं बारंबार प्रूव कर चुकी हूँ अपने आप को। सो मेरे लायक जो भी अच्छा काम हो वो मेरे पास आए, जो मेरे किस्मत का हो वो मेरे पास जरूर चलकर आए और जल्द आए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू थैंक यू। बेटा, थैंक यू। तो ये तो थी जया जी, जिन्होंने हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उन्होंने दिए हैं यहाँ पर। काफी बेबाकी से उन्होंने हर मुद्दे पर बात की है यहाँ पर। आई होप कि जो जितने भी न्यूज थी वो सारी क्लियर हो गई होगी। कैमरामैन दिलीप के साथ पूजा तिवारी, E24 न्यूज 24, मुंबई।